आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वह स्वयं भी हथियार डाल देता है, अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का बहुत प्रयत्न किया होता है और इस चक्कर में कष्ट झेला होता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तरह चल रही होती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है, इसलिए शरीर के पांच प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा आने लगती है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत है और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही है और वो मूर्छित होने लगता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है, यह चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को शत प्रतिशत सजीव करती है ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध न रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाजें आती हैं। इन पशुओं की आंखें अत्याधिक चमकीली होती है जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीर धारी आत्माओं को भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृतात्माओं के रूप में होते हैं उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर रोते हैं और कभी कभी भौंकते भी हैं। शरीर के पांच प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण क्रम से होता है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मलमार्ग से निकलती है। जो पापी भी हैं और पुण्यात्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है। जो पापी कम और पुण्यात्मा अधिक है उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ हैं पुण्यात्मा और योगी पुरुष हैं उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है। अब तक शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का नहीं हुआ रहता। जो लोग अपने जीवन में ही मोहमाया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष है उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है, अन्यथा जो लोग मोहमाया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान है, ज्ञान विज्ञान से अथवा पांडित्य से युक्त है, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में 10 गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसीलिए है कि 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता
और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो जाता, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। एक और बात, आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूखता जाता है और इससे नाभि जलने लगती है। लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है, प्यास अधूरी रह जाती है। इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगाजल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यमघंट बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा यमघंट से पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए यह सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर किसी कारण वश मृतक का 10 गात्र का श्राद्ध न हो सके और उसके लिए पीपल पर यमघंट भी न बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत्योनि में चली जाएगी और फिर कब वहां से उसकी मुक्ति होगी कहना कठिन होगा। हाँ, कुछ उपाय अवश्य हैं। पहला तो यह कि किसी के देहावसान होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर में जप अथवा कीर्तन किया जाए और जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक आदि में जाने से बच जाएगा। लेकिन यह करेगा कौन? यह संस्कारित परिजन, संतान, नातेदार ही कर सकते हैं। अन्यथा आजकल अनेक लोग केवल औपचारिकता निभाकर केवल दिखावा ही अधिक करते हैं। दूसरा उपाय कि मरने वाला व्यक्ति स्वयं भजनानंदी हो, भगवान का भक्त हो और अंतिम समय तक यथासंभव हरि स्मरण में रत रहा हो। तीसरा, भगवान के धामों में देह त्यागी हो अथवा दाह संस्कार काशी, वृंदावन या चारों धामों में से किसी में हुआ हो। स्वयं विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के भरोसे रहें या अपना हित स्वयं साधें। जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ मत गवाएं। एक एक पल को सार्थक करें। हरिनाम का नित्य आश्रय लें। मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जिए, न कि मन के अधीन होकर। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजर रहा है वह फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का स्मरण जप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो बहुत सोच कर करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहें। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, अतः सदा कर्म सोच विचार कर करें। जिस प्रकार धनुष में से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, इसी प्रकार जो कर्म आपसे हो गया वह उस पल का कर्म वापस नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान लें और जितना अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम श्री कृष्ण का ध्यान, चिंतन, जप, कीर्तन करते रहें। निरंतर स्मरण से हम यम पाश से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही हमें भगवत धाम भी प्राप्त हो सकेगा जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।